أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. गलतियों के बारे में या गुनाहों के बारे में एक फारसी सहारा लिया जाता है और ये कहा जाता है कि इंसान बशर है, इसलिए उससे गुनाह भी सरजद होते हैं और गलतियां भी सरजद होती हैं। तो मैं ये समझा था, अभी मैं हमारे आज के मुखर्जी साहब से बात कर रहा था, मैं ये ख्याल कर रहा था कि जब गुनाह हर किसी से सरजद होते हैं या गुनाह में मुब्तला होते हैं तो कफ़ारे से भी वाकिफ़ होना चाहिए, लेकिन कफ़ारे से वाकिफ़ नहीं। तो उन्होंने ऐसा मान लिया है जिसमें हर किसी की दिलचस्पी है और शायद मैं समझता हूँ हमारी महफिल का आगाज़ होने तक कोई कुर्सी खाली नहीं रहेगी। हजरात, आज की महफिल जैसे कि आप वाकिफ़ हैं, हमें जनाब इकबाल अहमद इंजीनियर साहब तारीख़ इस्लाम की 621वीं निशिस्त से मुखातिब कर रहे हैं। गुनाह और कफ़ारा इनका उन्वान है और ये महफिल आज बतारीख 30 नवंबर 2013 मुताबिक 25 मुहर्रम 1435 हिजरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर जामे मस्जिद आलिया के गन फाउंड्री जामे मस्जिद आलिया के कॉन्फ्रेंस हॉल तो मुकाम गन फाउंड्री में मुनक़िद हो रही है और कन्वीनर महफिल गुलामी अज़दानी मैं आपसे मुखातिब हूँ। ये बात के हमारा जो बुलेटिन छप के आया है 504वां, ये आज उसका इस महफिल का पहला आइटम है। ये तकसीम भी हो रहे हैं, अगर किसी साहब को ना मिले हों तो एक से जायद लीजिए और कोशिश करिए कि आप खुद हमारे सफीर बन जाएं और लोगों को इस जानी राग़िब करें। इसके बाद भी परसों भी बहुत गैर मामूली अहम उनवान है, हाफिज मोहम्मद इसाद कमाल खादरी साहब शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस की 515वीं निशिस्त को मुखातिब कर रहे हैं। वो भी महीने में एक दफ़ा मुखातिब करते हैं और आपको अंदाज़ा है कि वो भी बहुत पाए के स्कॉलर हैं और उनका अनुमान है सच्चाई का इस्लामी तसव्वुर। और 4 दिसंबर को जनाब मुस्तर मजाज साहब इकबाल के जो फारसी कलाम के मुतरजिम हैं, महफिल इकबाल शिनासी की 736वीं निशिस्त को मुखातिब कर रहे हैं और वो इकबाल की नज़म शरह अस्माए अली मुर्तज़ा, ये आपसे वो इस उनवान से मुखातिब होंगे चारशंबा 4 दिसंबर। तो ये भी मत भूलिए और उससे भी इस्तेफादा कीजिए। मैं आज के हमारे मुखरिज साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो शाह नशीन पर तशरीफ़ लाएँ और हमें मुखातिब फरमाएं। लील करीम रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मोहतरम गुलाम यज़दानी साहब, नानक सिंह नश्तर साहब और मुसल्लियाने मस्जिद और हाज़रीन,
ये उन्वान गुनाह और कफारा इसलिए चुना गया है कि आम तौर पर यह ख्याल पैदा होता है गुनाह जो चीजें हमारे सामने हैं जिसको बयान किया गया है वो ना करने का नाम ही गुनाह है। मगर गुनाह की तारीफ शरीयत में हमारे पास यूं है कि जो शरीयत से कोई चीज तजावज कर जाए वो गुनाह की तारीफ में आती, चाहे उसमें कमी और बेशी हो या उसको अपने ढंग से ढाल लिया जाए, ये सारी चीजें गुनाह में आती हैं। और जो गुनाह हो जाता है इंसान से तो उसको क्या करना चाहिए और उसका तरीक़ेकार भी बताया गया है या ऐसा ही छोड़ दिया गया है। तो आम तौर पर कहा यह जाता है गुनाह आदमी के फितरत में है, गुनाह करता है और उसका तरीका यह है कि जब गुनाह हो जाए तो तौबा कर ले और बात बिल्कुल सही है अपनी जगह, मगर ये चीज फितरत में जो चीज है अगर फितरत का एक हिस्सा है तो गुनाहगार कैसा हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने उठता है। फितरत यही है कि गुनाह करे या फितरत यही भी है कि नेकी करे? अगर फितरत में दो चीजें शामिल हैं, गुनाह करना नेकी करना, तो एक तरफा बात तो नहीं हो सकती। गुनाह ही फितरत में है इसलिए गुनाह करता है, ये क्यों नहीं कहा जाता कि नेकी भी फितरत में इसलिए नेकी करता है? ऐसी बात आम तौर पे नहीं होती। इसकी इब्तिदा में मैंने कुरान शरीफ में सूरह बकर की 37, 38 और 39 आयतें चुनी हैं और ये आयतें दरअसल आदम अलैहिस्सलाम से मुतालिक हैं कि इस इब्तिदा में आदम अलैहिस्सलाम को जो बनाया गया, जन्नत में रखा गया, शैतान से कहा गया कि सजदा करो, शैतान ने इनकार किया तो शैतान ने उनमें वसवसे डाले और उनकी जहर उनकी ख्वाहिश भी हुई कि उन वसवसों को सुने। यहाँ एक अहम बात हमें मालूम होती, कुरान की आयत यह है कि फज़ज़लहुमा शैतानु अन्हा फ़ाख़रजहुमा मिम्मा काना फी, उन दोनों को शैतान ने बहकाया, वसवसे डाले, यानी हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम दोनों को, और उन दोनों को वहां से निकाल कर दम दिया। फ़ाख़रजहुमा मिम्मा काना फी तस्निया का सिगा है। यहां ये नहीं कहा गया कि हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाया, हव्वा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम को, ऐसा नहीं, शैतान ने उन दोनों को बहकाया और दोनों को निकाल कर दम लिया। तो अल्लाह ताला ने क्या क्या कुल नहबतु बाज़कुम लिबाज़िन अदुव्वुम, हमने उनसे कहा निकल जाओ यहां से, तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, वो लकुम फिल अर्ज मुस्तकरुम व मताउन इलाहीन, और तुम्हारे लिए जमीन एक जाय करार है एक जमाने तक, एक हद तक जिसका हमें इल्म है, तुम्हें इल्म नहीं है। उसके बाद की आयत में फतलक आदम मिन रब्बिही, आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अल्लाह से कलमात मांगे, क्या कलमात, इन तौबा के कलमात मांगे, फताब अलैह इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, और बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है।
उस वक्त का जो हुक्म है ये जहन में रखना पड़ेगा हमको आगे पढ़ने। कुल नहबतु मिन्हा जमीया, फिर हमने हुक्म दिया सारों को, आदम अलैहिस्सलाम को जमा का सक है, आदम अलैहिस्सलाम दोनों को और शैतान को भी, तीनों को हुक्म दिया जमा के सगे में, यहां से निकल जाओ तुम सारे के सारे। फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, जब मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ हिदायत की आयतें आएंगी, हिदायत के अहकाम आएंगे, तुम लफ्जिशें करोगे, कुछ गलतियां करोगे, हिदायत की जब आयतें आएंगी, फमन तबिया हुदाया, जो कुछ उन आयतों की इत्तबा करेगा वो दरअसल कामयाब होगा। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उसे दुनिया में रंज होगा और ना आखिरत में गम होगा। ये तीन आयतें बुनियाद हैं हमारी आज की गुफ्तगू की। आदम अलैहिस्सलाम को अगर फितरत में गुनाह है तो आदम अलैहिस्सलाम ने इंसान की फितरत को दूसरी आयत में बयान किया है, शैतान ने क्या किया था आदम अलैहिस्सलाम से। शैतान ने बार बार जाकर आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की कि अल्लाह ताला तुम्हें उस झाड़ से इसलिए रोक रहा है कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ, कहीं तुम दायमी जिंदगी ना अख्तियार कर लो, और मैं बेहतर जानता हूं तुम नहीं जानते। एक नहीं कई मरतबा, ऐसा नहीं कि शैतान जाके बोलते ही जो है ना फौरन आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात को कबूल कर लिया, ऐसा नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को समझाया गया, बार बार समझाया गया कि नहीं हम भाई बेहतर जानता हूं, तुम्हें क्या मालूम, तुम नहीं जानते, वो झाड़ से इसलिए रोका गया है, उसका इल्म मेरे पास है और वो झाड़ में जो है तुम्हारे लिए फायदा है। तो यहां इंसान की फितरत को बता दिया गया, इंसान की फितरत में खैर है शर नहीं, इंसान की फितरत में नेकी है बदी नहीं है। ये आमतौर पर जो है हमारे दरमियान के इंसान की फितरत में गुनाह गुनाह करता था, सही है, इंसान की फितरत हमेशा खैर ही खैर है, वो गुनाह करता है भी तो ये समझ के कि वो नेकी है, उसको कुछ फायदा होने वाला है, गुनाह को गुनाह समझ के नहीं करता इंसान। इंसान की फितरत अल्लाह ताला ने इसकी बनाई। तो हमारा ही क्लेम आज की दुनिया में कि बशर है, बशर से गुनाह हो जाता है और जब गुनाह हो जाता है तो उसको माफी मिल जाती है, ये जो तसव्वुर है, तसव्वुर की तर्दीद करता है कुरान मजीद। कुरान मजीद ये कहता है कि नहीं, तुम्हारी फितरत में तो खैर ही खैर अल्लाह ने रखा है, और तुम्हारा चॉइस, तुम्हारा इंतखाब गलत हो सकता है। तुम्हारे पास तुम्हारे साथ जो दुश्मन को भेजा है गया शैतान, तुमको वसवसे दिला सकता है, तुमको गलत राह पर डाल सकता है, मगर तुम्हारी फितरत बुरी नहीं है, तुम्हारे में अभाव इस्तकबार नहीं है, तुम इनकार करने वाले और किब्र करने वाले नहीं हो, तुम तो तौबा करने वाले। तो जब तुमको मालूम हो जाए कोई चीज गलत हो गई है, तुम पलट कर फिर मेरे रास्ते पर आने वाले हो, तुम्हारी फितरत ही है। इस एतबार से अगर आप देखें तो गुनाह इंसान की सरिश्त में है, यह क्लेम गलत है। चूंकि सरिश्त में नहीं है गुनाह, इसलिए कफारा भी है। अगर फितरत ही गुनाह की होती तो कफारा कहेगा, कफारा नहीं होता, तौबा नहीं होती। तौबा तो इसलिए होती है कि वो गुनाह किया है, इरादतन किया है या जानबूझकर किया है या नहीं किया है, ये अलग बात है। वो तो इरादतन है मगर फितरत में उसके नहीं है, जानबूझकर नहीं करता कोई भी। अगर किसी का कत्ल भी किया तो अपने फायदे के लिए समझ कर करता है, ये इससे ये फायदा है या नुकसान है, फायदा और नुकसान सामने रख के करता है और फायदा समझ के करता है, नुकसान समझ के कोई अमल नहीं करता इंसान। अब उसका फायदा सोचना सही है या गलत है वो अलग बात है। अगर ये बात जहन में आ जाए, अब इसके जो है लाजिमी बात है कि इसको समझाने के लिए क्या चीजें थी, बहकाने के लिए बहकावे के तरीके को समझने के लिए क्या बातें थी। लाजिमी बात है कि जब तक कि हिदायत खुदा ना हो, हिदायत इलाही ना हो, ये बातें समझ में नहीं आती। ये अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है इंसानों पे कि अल्लाह ने इंसान की फितरत को खैर पर बनाकर उसकी लग्जिशों को रास्ता दिखाने के लिए, उसकी रहनुमाई करने के लिए और उससे अस्तगफार करने के लिए,
उससे पनाह मांगने के लिए अल्लाह ने रास्ता भी बताया। इसीलिए कहा गया फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, जब मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ हिदायत की आयतें आएंगी, यानी हिदायत मतलब तुम गुमराह हो गए थे, हिदायत का मिलना मतलब तुम गुमराह हुए तो हिदायत की जरूरत है ना, तो क्या है कि हिदायत, यानी तुम्हें जो रास्ता हिदायत का बताया गया था उससे तुम भटक गए हो, यानी तुम्हारा बुनियादी रास्ता क्या है, हिदायत का रास्ता, ये गुमराही तुम्हारे दरमियान आ गई, क्योंकि तुम्हारी फितरत में खैर का पहलू है, तुम्हारी फितरत में नेकी है, ये गुनाह जो है ना टेम्पररी तौर पर आरजी तौर पर तुम्हारे पास आ गया, तुम गुमराह हो गए, क्योंकि इसलिए कि तुमको भी इल्म दिया गया, शैतान को भी मोहलत दी गई, मगर तुम्हारा इल्म शैतान पर हावी होने वाला है, शैतान के बहकावे में तुम अगर रास्ते से भटक जाओ फिर रास्ते पे पलट कर आने की कोई राह तो होना चाहिए, कोई तरीका तो होना चाहिए, यह तरीका जब जब शैतान बहकाएगा तुम्हें गुमराह करेगा, तुम्हें गुनाहों में डालेगा, अल्लाह ताला रास्ता बताएगा, ये वो रास्ता है बंदे इस रास्ते पर चल, तू फिर हिदायत पर आ जाएगा, क्योंकि तेरी फितरत में हिदायत है, तेरी फितरत में गुनाह नहीं है, तेरी फितरत में खैर ही खैर है, तेरी फितरत में नेकी है, तो यह हिदायत मिन जानिब अल्लाह, और अल्लाह ने इंसान को भेजते वक्त की, क्योंकि मामला क्या था, मामला यह था इंसान को जो इल्म दिया है शैतान को नहीं मालूम, जब शैतान ने खुद कहा खालू सुभानक ला इल्मना ला इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, फरिश्तों ने कहा कि गायब लता तू पाक, हम नहीं जानते, जो कुछ जानता हमको तो इतना ही इल्म है जितना तूने हमें बताया, इसलिए आदम का इल्म जो तूने सिखाया उसका हमको इल्म नहीं है। जब उन्होंने एतराब कर लिया कि अपनी कम इल्मी का, तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है अगर तुम इसका इकरार करते हो कि आदम का इल्म ज्यादा है और तुम उसकी बात को नहीं बता सकते, जब ये तुमने इकरार कर लिया तो अब तुम उसके सामने सर्वसजूद हो जाओ, क्योंकि इल्म वाला ला इल्म वाले के सामने सर्वसजूद होना जरूरी है, सिर्फ फितरत का उसूल है। शैतान ने इनकार किया, शैतान इस बात पे नहीं माना, मेरा इल्म ज्यादा है मैं बहका सकता हूं, शैतान अड़ गया। अब शैतान के अड़ने पे अल्लाह के हुक्म उतरने पे, अल्लाह की बात बताने, अल्लाह का इल्म देने पर, शैतान के अड़ने पर, मुकाबिला ये दोनों के दरमियान है, और शैतान क्या क्या करेगा अल्लाह को मालूम है, अल्लाह इल्म रखता है सारी चीजों पर, कुदरत रखता है। जैसे जैसे इंसान कायनात का इल्म इंसान को होता गया, उसको दस्तरस में लाता गया, शैतान के बहकावे उसी कदर बढ़ते चले गए, जैसे जैसे बहकावे बढ़ते गए जहां जहां इंसान भटकने लगा वहां अल्लाह ताला की हिदायत आई कि नहीं गुनाह तेरी फितरत नहीं है, तेरी फितरत तो खैर है, तू हिदायत का हिदायत पाया हुआ इंसान है, तू इधर आ, ये हिदायत की गई, ये हिदायत का तरीका चलता। वो आखिरी हिदायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान मजीद, यहां आकर शैतान का आखिरी हरबा, जो इससे पहले मैंने कहा था कि शिर्क कराने के लिए अल्लाह को अल्लाह का बेटा बना देना किसी को, शिर्क की कई किस्में हैं, मगर शिर्क की सबसे इंतहा किस्म है कि अल्लाह को औलाद वाला बना दो, अल्लाह को खालिक को मखलूक बना दो। अल्लाह को औलाद वाला बना देने का मतलब क्या हुआ, खालिक है सारी मखलूक उसके ताबेदार है, खालिक कुदरत रखने वाला है, मखलूक बेबस मजबूर है, औलाद का होना तोहमत है अल्लाह पर कि अल्लाह भी मजबूर और बेबस है, वो भी मखलूक की तरह है, यानी खालिक को मखलूक बनाने की जो कोशिश है वो कोशिश शैतान ने आखिरी मर्तबा की, उसके बाद कोई कोशिश नहीं है, कोई कोशिश नहीं कर सकता। सारा इल्म शैतान का कहां खत्म हुआ, जब खुदा का बेटा बनाया, खुदा की बेटी बनाई गई, वहां जाकर इल्म खत्म हो गया शैतान का, शैतान के पास अब मजीद को इल्म नहीं है बहकाने का। जब ये इल्म इंतहा को पहुंच गया तो गुनाह करने के तरीके भी इंतहा को पहुंच गए, यानी घटकने गुमराही के तरीके भी मालूम हो गए लोगों को, क्या क्या गुमराही हो सकती है, किस मैदान में, अल्लाह की जात में क्या गुमराही हो सकती है, अल्लाह की सिफात में क्या गुमराही हो सकती है,
अल्लाह के अख्तियारात में क्या गुमराही हो सकती है, अल्लाह के अहकामात में क्या गुमराही हो सकती है। ये सारे चीजें हो गए उसमें, हर बार जहां जहां गुमराही हुई अल्लाह ने रास्ता बताने के लिए अंबिया को भेजा, अंबिया आए और फिर सीधे रास्ते पे आए। इंसान की अपनी फितर जो खैर की है, खैर पर लाकर खड़ा कर दिए, गुनाहों से पाक कर दिया, कफारादा कर दिया गया, पाकी मांगी, तौबा की, कफारादा हो गया। शरई एतबार से जो बड़े बड़े गुनाह हैं हमारे दरमियान, उसके जो शरई हुदूद है वो मुतय्यन है। जब समाज की बुराई होती है वहां भी कफारा है, आखिरत में बाखिरत में पूछ नहीं होगी, मगर दुनिया में कफारा है। किसी को अमदन कत्ल कर दें आप, वहां या तो कत्ल जान का बदला जान, या लोगों से माफी चाह लें, जो लोग माफ कर दें अख्तियार उनको। मगर बाद ऐसे गुनाह जिससे समाज मुतासिर हो जाता है, इज्तिमाई कत्ले आम हो, उसकी कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं है उसकी। इस तरह जिना हो, जिना बदतरीन गुनाह है, इसकी माफी नहीं। कौम लूत का अमल हो, बदतरीन गुनाह, इसकी माफी नहीं। कसम खा लें, कसम को तोड़ दें, कफारा है। मिस्कीनों को खाना खिला दें, कुछ तादाद मुतय्यन है, उस तादाद के रोजे रख लें। रोजा तोड़ दें जानबूझकर, उसका कफारा है, रोजे रखें। वादा खिलाफी करें, कफारा है, माफी चाह लें। उस बंदे से माफी चाह लें जिससे वादा खिलाफी हुई है, अल्लाह से माफी चाहना नहीं है इसमें। उस बंदे से माफी चाहे जिससे वादा खिलाफी हुई है, क्योंकि अपने नुकसान किसको पहुंचा है, बंदे को पहुंचा है। अगर आपसे नुकसान हुआ है, नुकसान की तलाफी करके माफी चाहे, यह कफारा है। जहां हुकूक इबाद है, हुकूक इबाद बंदों से माफी चाहने में कफारा है। अल्लाह के हुकूक है, अल्लाह से माफी चाहने का। इस तरह से तकसीम कर दे के कफारे को बताया गया है। इसी मन में और आगे बढ़े आप तो आपको पता चलेगा इस कफारे को आसान बनाया गया है कब तक। हजरत मूसा अलैहि सलाम तक, बनी इसराइल को मोहलत दी गई, हज जारी करने में माफी थी, बनी इसराइल के पास माफी नाम की कोई चीज नहीं थी हजरत मूसा की शरीयत में, क्योंकि बनी इसराइल का तरीका यह हो गया था, गुनाह करते जाते कफारा अदा करते जाते, गुनाह करते जाते कफारा अदा करते। कफारे का मतलब है कि बाद में गुनाह ना करें। गुनाह से तौबा का क्या मतलब है? जो अमल हुआ है उसको ये जानकर आपने गुनाह किया है कि अमल मेरे से गलती से हो गया है, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, दरअसल ये तौबा है ना। अगर तौबा का मतलब ये कि एक मरतबा गलती करें तौबा मांगे, फिर दूसरे रोज वही गलती करें तौबा मांगे, तीसरे रोज वही गलती करें तौबा मांगे, जिंदगी वैसी चलती रही, ये तौबा नहीं, ये कफारा अदा नहीं हुआ। कफारे का मतलब है कि जो सरजद हो गई चीज, वो सरजद होने वाली चीज फिर दोबारा तुम्हारे से ना हो, तुमसे दोबारा ना हो। वादा खिलाफी एक मरतबा किसी से हो गई, दूसरी वादा खिलाफी किसी दूसरे से ना हो। किसी के पैसे हड़प कर लिए, अदा कर दिए, मगर दूसरे के पैसे हड़प ना करें। किसी को तकलीफ पहुंचा दी पड़ोसी को, माफी चाह ली, पड़ोसी ने माफ कर दिया, फिर दूसरे पड़ोसी को नुकसान, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुनाह को बार बार दोहराया जाए और तौबा चलती रहे। ये नहीं है तौबतुन नसू नहीं है। ये आदत बनी इसराइल में पड़ गई थी। जब ये पड़ गई आदत, तो मूसा की शरीयत में हर गलती की सख्त से सख्त तरीन सजा, वादा खिलाफी की सख्त तरीन सजा, कत्ल किया लटका देना, बस माफी है नहीं उसको। अब उनके जहनों में, बनी इसराइल के जहनों में मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत से पहले भी गलती करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के बाद भी गलती करते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को कुछ दिनों तक नाफिज रखा, उसके बाद गलती करते रहे। मगर उनके जहनों में बात यह बढ़ गई थी कि अब मूसा की शरीयत के एतबार से हर गलती, हर गुनाह की सजा है, और गुनाह हमारी फितरत में,
गुनाह हमारी फितरत में, गुनाह हम करेंगे, ये चीज बैठ गई थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने जब ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर रिलैक्सेशन दिया, काफी तकलीफ में गुजर रहे थे। अंबिया आए, अल्लाह से दुआ किए, अल्लाह के कब तक हमारे पे, तो वहां रिलैक्सेशन मिला, फिर तौबा की, अमल ना करने से रोका है। खस्म खाने की बात, खस्म खाने से रोके, खस्मों की इजाजत मूसा की शरीयत में है, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में खस्मों की इजाजत नहीं, खस्म खा ही नहीं सकते आप। ये मामला हुआ। यहां वो मामला है जहां गुनाह की तारीफ अलग की गई यहां से। अब तक तो गुनाह की तारीफ यह थी कि इंसान खैर से पैदा हुआ है, शैतान के बहकावे से ज्यादा गुमराह होता है, जब गुमराह होता तो अल्लाह की हिदायत से फिर उसको सीधे रास्ते पे लाया जाता है, और इंसान गुनाह करता है तो समझ कर करता है कि वो नेकी कर रहा है, गुनाह कर रहा बोल के नहीं करता कि अल्लाह का मकजूब हो जाए, गुमराह हो जाए, ये समझ के नहीं करता इंसान। आज भी इंसानियत, आज भी इंसान अगर कोई काम करता है तो समझ के करता है कि उसको फायदा हो रहा है, कोई इंसान नुकसान का सौदा नहीं करता आज भी, कोई नहीं करता, कोई अक्लमंद आदमी नहीं करता। ये और बात है कि समाज को नुकसान होता हो उससे, समाज में बुराई होती है, इंसान का अपना अमल फायदे के लिए होता है, चाहे उसका फायदा हो या उसके खानदान का फायदा हो या उसके अफराद का फायदा हो, दूसरों को नुकसान होता है होने दे, ये चीज हो सकती है, मगर नुकसान अपने को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं कर सकता। ये फितरत को देखकर और मूसा की शरीयत को देखने के बाद यहां बड़ी तब्दीली आई, गुनाह की तारीफ बदल गई, गुनाह यहां पर इंसान की फितरत समझा गया, जबकि इंसान की फितरत, गुनाह एक आर्जी अमल है जो वाक्य हो जाए फिर उसको दोबारा ला लिया जाए, इंसान की फितरत ऐसी है, खैर की फितरत। अब यहां जो गुनाह हुआ है वो ऐसा ऐसा गुनाह जो इब्तिदा से अंबिया अलैहिस्सलाम ने पूरे गुनाह की तारीफ की थी, वहां गुनाह का मफहूम ही बदल गया। ईसाइयत ने जो गुनाह की तारीफ की है वो गुनाह की तारीफ ही बदल गई, अब उसको नाम दिया ओरिजन सिन और इसको जोड़ दिया आदम अलैहिस्सलाम से, कि इंसान अब तक क्योंकि उनके अपने मुताबिक गुनाह फितरत में है, उनकी गुनाह उनकी फितरत में है, असल मसला ये है, गुनाह की अपनी फितरत बताने के लिए उन्हें एक तजबी दे डाली, एक लॉजिकल अप्रोच बताया कि क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ने खुद गुनाह किया था, अल्लाह के मना करने के बावजूद वो दरख्त के पास गए थे, अब दरख्त का फल खाए क्या खाए वल्लाहु आलम, अगर वहां गए थे इस वजह से अल्लाह की नाफरमानी की, वो दरअसल ऐसा गुनाह है जो माफ हो ही नहीं सकता। सारी ईसाइयत को बुनियाद बना दिया इस पे, और इसमें बड़ी हवा यहूदियों ने दी, और सारी ईसाइयत इसी पर मबनी कि आदम ने बुनियाद, आदम ने गुनाह किया था, आदम ने जब गुनाह किया था तो हमारे पास भी है, हम भी ये समझते हैं ना, जन्नत से निकालवा दिया ना तो हम रहते थे, हम खुद जन्नत में रहते थे, हालांकि जन्नत से निकाले तो हम दुनिया में आए, जन्नत से नहीं निकाले तो हम दुनिया में कहां से आते थे। हम अभी भी बोलते हैं कि हव्वा अलैहिस्सलाम ने बहकाया, इसलिए जो है आदम अलैहिस्सलाम फल खा लिए, तो लानत ही बना दिया सारी जिंदगी। आए थे लेकिन कूचे से हम निकले, यानी आदम अलैहिस्सलाम बेआबरू, आदम अलैहिस्सलाम बेआबरू होके निकले, बाआबरू होके निकले, भेजा बनाया गया था जमीन के लिए, जन्नत थोड़ी बहुत थी, जन्नत तो अमल के बाद मिलने वाली चीज है, शरीयत के नाफिज होने के बाद मिलने वाली, शरीयत ही नाफिज नहीं थी आदम अलैहिस्सलाम के वक्त, खाली एक ही शरीयत थी, वो घिसाड़ के खरीद नहीं जाना, और कोई दूसरी शरीयत थी नहीं। तो उसको जो है ना मबदा बना दिया ईसाइयों ने कि ये ऐसा गुनाह है, जब गुनाह किए तो गुनाह की तारीफ बड़े अच्छे फलसफियाना अंदाज में उन्होंने शुरू कर दी,
गुनाह तो कह दिया, मगर गुनाह को बड़ा बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आदम अलैहिस्सलाम के उस अमल को इन्होंने और तौजीह कर दी और उसकी तशरीह करना शुरू कर दिया। कुरान आने तक इसने इतनी तशरीह कर दी थी, गई थी, ऐसा मालूम होता था आदम अलैहिस्सलाम के अलावा कोई गुनहगार दुनिया में नहीं, उससे उतना बड़ा गुनहगार तो कोई है ही नहीं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सेंट अगस्टाइन, जो बड़ा ईसाइत का बहुत बड़ा फलसफी है, वो लिखता है ओरिजन सिन पर कि ओरिजन सिन की, हम ओरिजन सिन बोलने की वजह क्या है। वो लिखता है कि इसलिए गुनाह है कि इससे तकब्बुर जाहिर होता है आदम अलैहिस्सलाम का, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह की पनाह, बोलना जरूरी है इसलिए बोल रहा हूं, तकब्बुर जाहिर होता है, यानी केवर है, अपने पे गुरूर है, मैं कर सकता हूं, अल्लाह ने इख्तियार दिया मैं कर सकता हूं, इसलिए कह रखिए अल्लाह के इख्तियार का भेजा इस्तेमाल किए, और अल्लाह 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 की जवाबदेही का खौफ निकल गया था इनसे, किब्र किए, इस अमल से इजहार होता कि किब्र किए, और दूसरी के खुदा की शान में गुस्ताखी हुई इससे, खुदा की जो पकड़ने वाली जात है उसको चैलेंज किया गया, तू पकड़ता क्या हमको, देख हम करके बता देते तुझे। आदम अलैहिस्सलाम ने यह रवैया अख्तियार किया, खुदा की शान जो कुदरत वाली है, खुदा की शान जो पकड़ रखने वाली है, खुदा जिस सारे मखलूक का खालिक है, उसको चैलेंज किया, उसकी शान में गुस्ताखी की, उसी शान को चैलेंज किया गया कि मैं गुनाह करता हूं तो क्या करता है देखेंगे। दूसरे माना में अपने उसको जो ना अल्लाह अल्लाह के अहकाम को, अल्लाह की जात को, अल्लाह के अहकाम को कत्ल करने के मुतरादिफ है, अल्लाह के अहकाम को खत्म कर देने के मुतरादिफ है, यानी अल्लाह के अहकाम जो दिए गए हैं उसको जानबूझकर कतई तौर पर ना मानने वाला कदम है, इनकार है इसमें, कुफ्र है इसमें, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। रूहानी जीना है इसमें, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए साबित करने के लिए, आदम अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इन लोगों ने कम इलमी से जो मलामत किया है, क्योंकि अपनी आइडियोलॉजी इसको साबित करने के लिए जिसका कोई दलील नहीं, बगैर दलील के एक बहस छोड़ के रख दी और सारा मजहब गुनाह और कफारे पे कायम करके रख दिया। एक चोरी है, यानी छुपके चोरी किए, वो चीज नहीं जाना जो है दरअसल अल्लाह की मिल्कियत थी, वो झाड़ उसका जो फल था अल्लाह का फल था, अल्लाह के अख्तियार में थी वो चीज, और वो चीज को इन्होंने अपना मिल्कियत बना ली और खुद खा भी लिए जो कुछ भी था। इसी तरह इससे लालच भी जाहिर होता है कि वो अच्छी चीज अच्छी दिखी उसको हासिल करने के लिए कुछ भी इकदाम करने को तैयार है, कुछ भी इकदाम करने को तैयार है अपनी तरफ से। ये इल्जाम नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक आदम अलैहिस्सलाम पे लगाए गए। इससे हुआ क्या, अल्लाह ने कफारा क्या लिया उनसे, इनका अपना कहना है, अल्लाह ने कफारा ये लिया कि उनको आजादी इख्तियार जो दिया गया था नेकी करने का और बुराई करने का, दोनों का इख्तियार था ना, इस वास्ते करें ना बुराई, उनके एतबार से शर और खैर दो पहलू रखे थे, उन्होंने शर को इस्तेमाल किया, शर को इस्तेमाल किया, खैर को इस्तेमाल नहीं किया, खैर को इस्तेमाल करना था नहीं जाना था, शर को इस्तेमाल करके जब गए तो उन्होंने बुराई कर दी, गुनाह कर दिया। जब उन्होंने गुनाह कर दिया ऐसे मुकाम पर जहां मुकाम पर कोई शरीयत नहीं आई थी, उनको पूरा इख्तियार था, ये सारे जो फितरतें हैं, ये सारे फितरतें जब उनमें अवध कर आई, बुराई की सारी फितरतें, तो गुनाह इतना मजबूत हो गया कि अब नेकी करने की जो सलाहियत थी अल्लाह ने उसे छीन ली, अब वो नेकी कर ही नहीं सकते, उनके खून में बुराई आ गई, उनकी सोच में बुराई आ गई, उनकी फिक्र में बुराई आ गई, उनके अमल में बुराई आ गई, उनसे नेकी हो ही नहीं सकती। अब उनसे जो नस्ल निकली वो पैदाइशी तौर पर गुनहगार है, क्योंकि आने वाली नस्ल से कोई नेकी की उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि नेकी करने का आंसर अल्लाह ने खींच लिया कफारे के तौर पर। इस फितरत में तमाम कायनात रही अल्लाह बड़ा गुस्से में है,
भला या मैं तुझे पैदा किया था, दुनिया में भेज दिया, तेरी नस्ल चलती रहे, मगर मैं गुस्से में हूं, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। एक अरसे के बाद, बहुत अरसा गुजरने के बाद, अल्लाह को रहम आया अपनी मखलूक पर, बंदों पर, इंसानों पर। अल्लाह ने कहा बहुत हो चुकी सजा। उस वक्त तक कितने पैदा हो गए? ईसा अलैहि सलाम से पहले अगर 1,24,000 हम नंबर को ले लें, यानी सारे अंबिया सिवाय दो के, इससे पहले जितने अंबिया गुजरे वो सारे के सारी उम्मत गुनेगारी, यानी सब ओरिजिन सिन में है। और कफारा उनका ये कि उनसे छीन ली गई नेकी, नेकी का नेकी नेकी अमल करने की सलाहियत छीन ली गई। जब अल्लाह को रहम आया तो अल्लाह ने कहा कि इतनी सारी खिलकत का मामला ये है, ये सारों को क्या मैं दोजख में डालूंगा? ये तो बड़ी बुरी बात हो जाती। आया मुझे गुस्सा, ठीक है, मगर इसकी इस्लाह होना चाहिए। अल्लाह पहले अल्लाह की अल्लाह का जो मुकाम स्टेटस है उसके ताल्लुक से सोच देखिए। अल्लाह को एहसास हुआ करते अल्लाह को कि भाई इतने दर तक हो गई बात, अल्लाह को गुस्सा आ गया, नौज बिल्ला। गुस्सा तो कमजोरी है ना, खुशी और गम तो कमजोरी की अलामत है, इंसान की चीज है, इंसान की फितरत है। खुशी गम से अल्लाह का क्या ताल्लुक, गुस्से से अल्लाह का क्या ताल्लुक? ये चीजें तो हमारे लिए दी गई हैं, मादे वाली चीज है, मादा जिसका उसके पास है चीजें, जो गैर मादी चीज है अल्लाह की जात क्या है, वल्लाहु आलम, मुझे नहीं मालूम कैसी जात है, क्या है जात का लफ्ज इस्तेमाल करो ना करो मुझे नहीं मालूम, मैं इस मामले में बिल्कुल जाहिल मुतलक हूं। जितना ही मालूम जितना अल्लाह ने कहा उतना, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। अल्लाह की तारीफ नहीं करा, कुफुआन अहद बोलूंगा, तुझे तेरे जैसा कोई नहीं है, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, बस इसके अलावा मैं नहीं कर सकता कुछ। इन्होंने ये बात लगा दी। उसके बाद हुआ ये कि गुनाह इतना बड़ा होता, इतना वसी हो गया था, इसको माफ करने के लिए अगर एक इंसान को भी माफ किया जाता वो सारे इंसानों की तलाफी तो मुमकिन नहीं थी, तो क्या करना चाहिए? अब अल्लाह ने कहा कि जब मैंने ये चीज की है, मैंने ये गलती की है, तो मुझे ही माफ करना है, मैं ये गलती की सजा भुगत लूं। और सजा का तरीका क्या है? अल्लाह ने अपना बेटा भेजा, अल्लाह ने अपना बेटा भेजा, बेटा भेजकर उसको सूली पे भी चढ़ा दिया, 3 दिन तक मरता हुआ रखा, चौथे दिन उसको जिंदा किया और कहा कि 3 दिन जो मेरा बेटा मर गया था वो दरअसल कफारा है सारे लोगों का अब तक का। यानी अजीब किस्म का फलसफा है जो समझ में नहीं आता। गलती तो आदम अलैहिस्सलाम से, अगर हम गलती मान लें, अंबिया से गलती का होना का बोलना भी वो बड़ा जुर्म है, हम वो नहीं बोल सकते, अल्लाह की मशियत थी इसलिए आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया। एक बड़ा अच्छी हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, अगर आप वो नाफरमानी ना करते तो हम दुनिया में नहीं जाते आसमान पर। मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, अगर आप आदम अलैहिस्सलाम, अगर आप हमारे बाद अदा होकर वो गलती ना करते तो हम दुनिया में नहीं भेजे जाते। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, रबी करीम सलाम की हदीस मुबारक के अल्फाज इससे हैं, मान मफहूम इससे हैं, आपने कहा कि अगर मैं मशियत इलाही ना होती ना मैं वो गलती करता ना तुम पैदा होते, ना मैं वो गलती करता ना तुम पता, अगर मैं गलती करा तो तुम पैदा हो तो मेरी औलाद में से हो क्या? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जवाब सुनकर हजरत मूसा खामोश रहे। ये हर काम मशियत इलाही से होता है, अंबिया के मामले में जरा एहतियात की जरूरत है। अब मगर इन्होंने उसको इस तरह का ला के, अब इसकी जिम्मेदारी किसने ली? अल्लाह ने ले ली, अल्लाह ने बेटा भेजा और अल्लाह ने बेटा भेजकर अल्लाह ने कफारा अदा किया, ने बेटे ने, अगर अल्लाह का बेटा मान लिया जाए तो बेटे ने कफारा अदा किया। और बेटे का रुतबा क्या है? अल्लाह भी खुदा है, बेटा भी खुदा है, रूह भी खुदा है, तीनों अलग अलग खुदा है मगर तीनों एक है। दूसरे मानों में अल्लाह ने कफारा अदा किया, अल्लाह ने गलती की, अल्लाह ने खुद उसका कफारा अदा किया। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक,
ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। इसी चीज को, इस बुनियादी हकीकत को और इसकी अहमियत को जानते हुए कुरान मजीद में इब्तदाई तौर पर ये कलमात, तखलीक आदम का तस्करा, जैसी इंसानों की कैटेगरीज बताई गई कि ईमान वाले, कुफर वाले, मुनाफिक, दुनिया में तीन ही अकसाम है, एक तो ईमान वाले, दूसरे ईमान का इनकार कर। कुफर का मतलब जानते बूझते अल्लाह का इनकार करना। कुफर को ऐसा लफ्ज नहीं है जो गाली दिए, बस ऐसा लफ्ज नहीं, कुफर एक इस्तेला है, शरई इस्तेला। जैसे ईमान का लाने वाला मोमिन हुआ, इसीलिए ईमान का इनकार करने वाला काफिर हुआ। और इन दोनों के दरमियान एक शख्स जो मुसलमान बन जाता है अपने मकसद के लिए, अपने मफादात के लिए, वो निफाक है, मुनाफिक है। तीन ही गुरु है दुनिया में और चौथा गुरु नहीं है, और चौथा गुरु कोई नहीं, और चौथा गुरु है ही नहीं। आप कोई भी गुरु निकाल लो, वो तीनों में फिट होते नजर आएंगे। इसके बाद ही फौरी तौर पर ये अकीदे तसलीस, यानी आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह को अहमियत देकर अल्लाह ताला ने उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह को खत्म, अकीदे को खत्म करने के लिए उसके बाद बात की, वो इसका रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तस्करा है, आदम अलैहिस्सलाम को हमने क्यों बनाया था, कैसे बनाया था, किस वजह से बनाया था, उनकी कैफियत क्या थी, क्या उन्होंने गुनाह किया, उनकी फितरत को बता दिया गया। उनकी फितरत ऐसी थी, फितरत में उनकी इनके सारी थी। आदम की फितरत में हक की तलाश में, हक का मुतलाशी होता है आदम इंसान हमेशा, उसकी फितरत में हक की तलाश रख दिया गया है। गुमराही करता है तो जानबूझकर नहीं करता, अनजाने में कर देता है। उसको भटकाने वाले कुछ इंसान भी होते हैं, कुछ शैतान भी होते हैं। आम तौर पर इंसान जो गलती करता है वो वसवसे दिलाकर भटकाने वालों की तरफ से गलती करता है, जानबूझकर नहीं करता कि मैं ऐसा करूंगा। इस लिहाज से अगर आप देखें तो हर गुनाह का कफारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो इंसान जो बनाए गए हो तो अल्लाह के मियार पर उतरना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल है। शरीयत पे चलना तुम्हारे लिए मुश्किल है, मगर करो ये, हमेशा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहो, अपने गुनाहों से तौबा करते रहो। कहीं भी कुछ भी खिलाफ वर्जी हो जा सकती है, जानबूझ के हो सकती है, अनजाने में हो सकती है। ऐसे वक्त अल्लाह का सबसे पसंदीदा कलमा जो है अस्तग़फिरुल्लाह, 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 सबसे पसंदीदा कलमा अल्लाह का। ये वो कलमा ऐसा है जो हर छोटे छोटे गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जैसे कि पानी पे लकीर, लकीर पड़ती नहीं पानी पे, अगर पड़ भी जाए तो मिट जाती। कुरान ने भी ये कहा, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओ जिनका हमने हुक्म दिया है, छोटे मोटे जो गुनाह हैं वो तो हम माफ कर ही देंगे, सैयाद को हम माफ कर देंगे, कबायर को माफ नहीं करेंगे, कबायर को भुगतना पड़ेगा, कबायर पर जो शरीयत लाजिम है वो रहेगी। तो इंसान की जिंदगी जो है हर लम्हा अल्लाह के साथ रखकर, अल्लाह को याद रख के गुजरे बड़ा मुश्किल है। इस्लाम का लाना, ईमान का लाना, मुस्लिम हो जाना, एक सुई से हनीफ यानी एक सुई से मुस्लिम होना, ये जो है सिफत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए दी गई। एक सुई से मुस्लिम था, यानी कोई काम ऐसा नहीं था जो अल्लाह की मर्जी के बगैर करता हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनकी तारीफ ऐसी की, एक सुई से मुस्लिम होना दरअसल इस्लाम का रिक्वायरमेंट है। इस्लाम चाहता है हर मुसलमान से कि एक सुई से मुस्लिम हो जाए, मगर ऐसा हो नहीं पाता। तो अल्लाह ने सहूलत दी है, अल्लाह ने सहूलत दी है
कि हर अमल पर हर लम्हे ये महसूस करे कि अल्लाह मेरे साथ चल रहा है, ये महसूस करके अल्लाह हर तरफ हर वक्त हाजिर और नाजिर है, मुझे देख रहा है, मेरी निगरानी कर रहा है, मेरे अमल का हिसाब और किताब हो रहा है। ये वो कैफियत है इंसान की जो फरी एक सू मुस्लिम एक सू होने की बात, ऐसा हो नहीं पाता, ये नहीं होना पाता, ये भी सयाद ऐसा नहीं होना। इस्लाम की वो शर्त की तकमील नहीं है जो तुम आपसे आपसे अल्लाह ताला चाहता है। इसीलिए बार बार कहा सबसे अच्छा कफारा इंसान की जिंदगी का अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द हो, और नमाजों की पाबंदी हो। फजर से फजर की नमाज अदा हो गई, अब जोहर की नमाज भी अदा कर दी आपने, तो फजर और जोहर के दरमियान के जो सयात हैं वो माफ हो गए। इसी तरह हर दो नमाज के दरमियान जो सयात हैं वो ना माफ हो गए। और आखिर की चीज वो दुनिया में वो लोग कफारा अदा करने के काबिल होते हैं जो सोने से पहले खुद अपना मुहासिबा करते हैं। कि हमने अपनी जिंदगी के बाहोश जो दिन गुजारा है, अब वो सोने जा रहे हैं तो होश तो नहीं है, छह घंटे बेहोश रहेंगे क्या रहेंगे, ना उठेंगे ना उठेंगे खुदा को मालूम। मर होश की जो जिंदगी हमारी थी 24 घंटे की, 18 घंटे हो, 16 घंटे हो, 10 घंटे हो, 12 घंटे हो, कुछ भी हो, वो जिंदगी हमने कैसे गुजारी, आया हमसे कोई गुनाह हुए हैं या नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं तो क्या नहीं हुए, क्या हुए तो क्या हुए हैं, और गुनाह का दर्जा क्या है। क्योंकि आदमी सबको धोखा दे सकता है, अपने जमीर को धोखा नहीं दे सकता, सबसे छुपा सकता है अपने जमीर से नहीं छुपा सकता। और अल्लाह ताला ने इंसान अल्लाह ताला को इंसानों से इतनी मोहब्बत है, उसके इज्जत के लिए, उसको महफूज रखने के लिए, उसकी दिल शक्नी से बचाने के लिए तख्वे का जो मियार रखा है, दिली कैफियत को रखा है, और तख्वे का इल्म सिर्फ अल्लाह को। कोई आदमी नहीं बोल सकता कि आदमी कल अल्लाह को कैसा गिड़गिड़ा के पूछता, गुनाहों को जाहिर नहीं करता, पोशीदा गुनाहों को पोशीदा ही रखता है। अल्लाह ताला की मोहब्बत है इंसानों से। ऐसा इंसान जो अपने अमल के एतबार से कमजोर है, अल्लाह ताला ने उनके लिए कफारा रखा है, इसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। फिर दोबारा जब उठेंगे आप नींद से, वो छोटे गुनाह तो माफ, बड़े गुनाह जो मालूम हो गए, बेहतर तरीका ये है उसका भी कफारा अदा कर दें। दुनिया में कफारा अदा करने मोहलत है, किसी की वादा खिलाफी हो माफी चालो खत्म कर दो, किसी के पैसे लिए वापस कर दो, किसी के खिलाफ झूठ और गीबत की उससे माफी चालो जाके, भाई मैं तेरे तरफ से झूठ बोला था, गीबत बोला था, किसी को नुकसान पहुंचा उसका अजाला कर दो, गोलीबाज तो माफ होने वाले नहीं है। इसको गनीमत जानो, मोहलत मत दो, कल करूंगा ऐसा नहीं, अब पल के पल में क्या हो जाएगा नहीं मालूम। तो कफारा अदा करने में तेजी करनी चाहिए, मौत सर पे खड़ी है ये समझ करके, ये आखिरी अमल, इसके बाद अमल होने वाला नहीं है, इस कदम से और जबान पे हमेशा अस्तग़फिरुल्लाह रहे। इस किस्म और रहा ये बात जिसका तस्करा है ईसाइत वगैरह का, कभी किसी मौजू पे इसकी बात करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा, किधर कहा, क्योंकि वो मौजू नहीं है अपना। ईसा मर बता दिया आगे का असली गुनाह इंसान की फितरत में गुनाह है, ये कहां से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, ये बताया गया। हालांकि इंसान की फितरत में गुनाह नहीं है, शुरू कहां से हुआ, क्यों हुआ, उसकी वजह बताई गई, अब उसकी वजूहात क्या है उसकी तफसील से बाद में बात करेगी। हमारा जो अनुमान था गुनाह और कफारा यही था कि इंसान फितरतन खैर से पैदा हुआ है, अगर उससे कोई गुनाह और लफ्जें सरजद होती हैं तो समझ कर नहीं कि समझ कर करता है, जब उसको मालूम हो जाए तो फिर पलट जाता है। उसके लिए अल्लाह की हिदायत की जरूरत है, अल्लाह ने हिदायत के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले रखे हैं, वो जब चाहे इस्तेमाल करे, करे तो ऐसा करे कि अब एक लम्हा तखीर ना हो,
ताखीर ना हो, ताक वक्त गुजर जाएगा, फिर जो है ना उसका बदला चुकाने के लिए नहीं, दुनिया के खजाने ले जाकर सामने रख दें, माफी नहीं मिलने वाली है। आज इस दुनिया में माफी मिल जाएगी मगर इसके बाद वहां माफी नहीं मिलेगी। ये दरअसल मुसलमान की जिंदगी का मतमय नजर मकसद हयात होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको कबूल फरमाए, जो कह रहे हैं अमल का बात कह रहे हैं उसको भी अमल की सलाहियत दे अल्लाह ताला, और दूसरों को भी अमल की सलाहियत दे और तौफीक दे। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।